नमस्कार, मैं हूं वैभव मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में प्रेसवार्ता के दौरान यह बताया कि श्रीमद् भगवद गीता जीवन का सार है। यह देश और प्रदेशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार गीता जयंती के दिन इस उपदेश को 5158 साल हो जाएंगे। गीता हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर राजनीतिज्ञ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद हरियाणा सरकार गीता जयंती महोत्सव को साल 2016 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है। इसी कड़ी में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहेंगे। कुरुक्षेत्र में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सूबे के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सैनी समेत स्वामी गीता मनीषी ज्ञानन जी महाराज भी मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार देकर कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है ये बताया है और उस समय कितना अलौकिक रहा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी में भी गीता के संदेश का महत्व रहा है। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले बहुत से शहीदों ने गीता से संदेश लिया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका इतिहास आपको मालूम ही है। भगवान कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को किस प्रकार से गीता का संदेश देकर और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी एक तरफ युद्ध का मैदान है, एक तरफ उपदेश और संदेश चल रहे हैं, जीवन का सार ये बताया जा रहा है, कैसा भव्य दृश्य रहा होगा जैसा बताया कि 5158 वर्ष पहले। लेकिन इस सारे इतिहास में भी श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे शहीद हैं उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है, क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता महोत्सव में बहुत से देशों के प्रतिनिधि और कलाकार शामिल होते हैं, जिसके तहत इस बार भी 3700 से ज्यादा कलाकार स्वदेश और विदेशों से आएंगे और ज्योतिसर में 200 करोड़ के स्कल्पचर बनाए जाएंगे जो महाभारत से संबंधित होंगे। साथ ही 75 ख्याति प्राप्त पेंटर महाभारत के विषय पर यहाँ पेंटिंग करेंगे। दुनिया को भी गीता के माध्यम से बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं, वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज्यादा कलाकार जो स्वदेश के भी होंगे, विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं। बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे।
वहीं उन्होंने बताया कि गीता महोत्सव का स्वरूप राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है, जिसके तहत मॉरिशस, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में भी गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और गीता का प्रचार प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। और इस बार आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी गीता महोत्सव में दिखेगी। न केवल यहाँ पर गीता महोत्सव, बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशियस में, और गीता उत्सव ये मनाया गया, और बाद में इंग्लैंड में भी, लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन संयोग से उसी समय ये कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है, इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा, ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव इतना मात्र नहीं है, बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक महोत्सव मनाया गया होगा, यानी गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया, लेकिन उसको आज भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है, ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई, तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि लोग गीता महोत्सव के साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं और 25 से ज्यादा देशों के 3.5 लाख से ज्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। वहीं उन्होंने बताया कि गीता महोत्सव को लेकर वेबसाइट भी बनाई गई है और 38 लाख हिट्स अब तक वेबसाइट पर आए हैं। वहीं सीएम ने बताया कि 21 नवंबर से एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी शुरू की गई है जो 8 दिसंबर तक चलेगी। ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं, अभी 25 से ज्यादा देशों के लोग, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ऐसे 25 से ज्यादा देशों के लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपडेट किया है, 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर। अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को, ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है, इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है, और इस प्रतियोगिता में श्लोक्स बोलने का, लिखने का, वो जो सारी प्रतियोगिताएं हैं उसके माध्यम से इन सब लोगों को एक अवसर जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्म सरोवर के चारों ओर सरस दुकानें लगेंगी। कोविड प्रोटोकॉल के चलते एक छोड़कर एक दुकानें रखी गई है और 2 दिसंबर से हवन यज्ञ के साथ गीता महोत्सव की शुरुआत होगी। यही जो ब्रह्म सरोवर है, इसके चारों तरफ स्टॉल्स लगाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं, तो वहां पर शिल्प पर जो सरस मेला होगा उसमें लगभग कितनी दुकानें हैं, लगभग 1,400 के आसपास, तो 400 के आसपास यह सब दुकानें हैं, शायद ज्यादा होंगी, एक छोड़ के एक दे रहे हैं, इस बार 800 के लगभग हैं, एक छोड़ के एक दे रहे हैं, ताकि कोविड के उस सारे इस लिमिटेशन का उसमें भी ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रकार ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है, हवन और यज्ञ के साथ कल ये शुरू होगा। संस्थाएं जो है ये सब इसमें भाग ले रही हैं, जो भी कुरुक्षेत्र की संस्थाएं हैं, कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है इसमें भी एक 3 दिन की गीता संगोष्ठी ये भी उसमें होगी। वहीं सीएम ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 12 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा, महाविद्यालयों में 13 दिसंबर को गीता संसद का आयोजन होगा, 75 स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा।
1100 विद्यार्थी गीता पाठ गीता महोत्सव में करेंगे और 55,000 लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। संत सम्मेलन 12 दिसंबर 2021 को वो संत सम्मेलन होगा जहां सारे देश के विदेश के संत समागम यानी संतों के विचार, आखिर हर किसी व्यक्ति का सिटीजन का अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार से संतों ने जो इसके विवेचन किए हैं गीता के, उनके एक सम्मेलन के माध्यम से वो व्याख्यान भी होंगे और उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गीता के जो सेमिनार हवन एक पाठ का आयोजन जैसे मैंने बताया ही है वो सब होंगे लगातार 12 से लेकर 14 दिसंबर तक। महाविद्यालयों में गीता संसद का आयोजन 13 दिसंबर को जितने महाविद्यालय हैं उन सब में संसद गीता संसद का आयोजन करने के लिए कहा गया है ताकि वहां के जो विद्यार्थी हैं वो गीता संसद के रूप में उस पर भी अपने विचार मैसेनाते से वो करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिजनों का ये भी सम्मान किया जाएगा। 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो इस बार ऐसा विचार किया कि ऐसे परिवार 75 परिवार, हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों यानी उनकी अपनी संख्या तो कम होती जा रही है, तो उनके जो परिवार हैं उनको सम्मान करने के लिए हम बुलाएंगे। वैश्विक गीता पाठ, जो हमने एक बार यहाँ 18,000 विद्यार्थियों को बुला करके और सांघिक गीता पाठ कराया था और उसी दिन विदेशों में भी सांघिक पाठ उसी समय सब किए गए थे, लेकिन कोविड के कारण से इस संख्या को प्रत्यक्ष तो इस बार कम किया है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये गीता पाठ इस बार भी कराया जाएगा। 1100 विद्यार्थियों द्वारा ये गीता पाठ इस बार यहाँ किया जाएगा और 55,000 विद्यार्थी और देश विदेश से लाखों गीत प्रेमी जो श्रद्धालु ऑनलाइन पर जुड़ेंगे, तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में ये सब लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्योतिसर में 40 फीट के भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई गई है जिस पर करीब 13.5 करोड़ लागत आई है। साथ ही कुरुक्षेत्र की हर एंट्री पर स्वागत गेट बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की समिति बनाने का फैसला किया है जो आगे से हर साल इस तरह का कार्यक्रम करेगी। करनाल से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता किसी जाति वर्ग के लिए नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व मानसिक शांति का संदेश देती है और वर्तमान समय की जरूरत है। भगवद गीता एक ऐसा उदार वैश्विक विचार का ग्रंथ है जिसमें कहीं भी किसी भी एक शब्द में न कोई पक्षपात है न कोई भेदभाव है न कोई संकीर्णता है जाति वर्ग वर्ण स्थान या कोई भी सीमा की। बहुत उदार ग्रंथ है, मानसिक शांति से लेकर के विश्व बंधुत्व के और वसुधैव कुटुंबकम के जो एक अवधारणा जो एक सोच भारतीय मनीषा की रही है उसको साकार करने में पूर्णतया तर्कसंगत सक्षम शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। यही कारण है कि वर्तमान में भगवद गीता का वह स्वरूप वह भाव समूचे विश्व तक एक प्रेरणा बने और कुरुक्षेत्र की धर्म थरा को क्योंकि यह गौरव प्राप्त हुआ गीता के उपदेश स्थली होने का, और स्वाभाविक है हरियाणा का अपने इस गौरव को समूचे विश्व की पहचान बनाए, ये एक स्वाभाविक जो भाव बना और उस भाव को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में जो पहल यहाँ कुरुक्षेत्र में की गई वो वास्तव में केवल प्रदर्शनीय नहीं है, वो वास्तव में वर्तमान की आवश्यकता है। तो इससे पहले सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ गीता महोत्सव पर तैयार किए गए एक गीत से किया, देखिए। गीत दिखाएंगे गीता का
श्री कृष्ण का गुणगान यहाँ, महाभारत में अर्जुन के तीर और भीम शूर महान यहाँ, भीम है वीर महान यहाँ, भारत की आत्मा गीता इसका फैल रहा प्रकाश, कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास, कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास, कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर में आयोजित किए जा रहे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों के संबंध में प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ साथ सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए इन अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने 29-30 नवंबर को बड़े पैमाने पर व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए पात्र परिवारों का चयन करने के लिए राज्य भर में 24 अलग अलग स्थानों पर आयोजित मेलों के संबंध में उपायुक्त से सुझाव और प्रतिक्रिया ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और इन मेलों को और ज्यादा सफल बनाने या हर पात्र परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 तक बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम करना है। तो मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए कि इन मेलों में लाभार्थियों की ज्यादा से ज्यादा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मेलों से एक दिन पहले व्यक्तिगत परामर्श के लिए सभी पात्र परिवार के घर घर जाएं। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया जाना चाहिए। इन परामर्श टीमों का उचित प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा पात्र परिवारों को ही प्राप्त हो और रोजगार के मौके मिले, इसके लिए हर परिवार का आय सत्यापन बड़े बारीकी और ध्यान से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को चंडीगढ़ में 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। संजीव कौशल ने जिला उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्तायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी कार्यशैली की अमिट छाप छोड़ी है। विचारों का पावरफुल जनरेटर और कम्युनिकेटर कहे जाने वाले हंसमुख और मृदु स्वभाव के अधिकारी संजीव कौशल अपने कनिष्ठ और वरिष्ठों के साथ एक टीम के रूप में काम करने की कला भी बाखूबी जानते हैं। नवनियुक्त मुख्य सचिव में प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी क्षमता से अनुकूल परिणाम देने का गजब का हुनर है। बड़ी परियोजनाओं के प्रबंधन का गुण और देश समेत प्रदेश में विकास के लिए उनकी राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक तालमेल की क्षमता उनको आम अधिकारी से खास बनाती है। उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान कई कोर्स और प्रशिक्षण प्राप्त किए ताकि सरकारी कामकाज में सुविधा हो सके और जनता को उनकी सेवाओं का लाभ मिल सके। संजीव कौशल ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नवोदित और मध्यम स्तर के आईएएस अधिकारियों को रिसोर्स फैकल्टी के तौर पर मार्गदर्शन किया। यही नहीं, उन्होंने भारत सरकार की ओर से ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और बहरीन देश में जाने वाले औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। तो हरियाणा के नए मुख्य सचिव ने कार्यभार आज संभाल लिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल, जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है। आपको बता दें, आईएएस संजीव कौशल को अब मुख्य सचिव बनाया गया है। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजीव कौशल, जिनके कंधे पर यह जिम्मेदारी रखी गई है।
तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना के नए वेरिएंट पर कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की तैयारी पूरी है। आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना से बचने के जो नियम हैं, जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जारी रखना है, उसको सख्ती से लागू किया जाए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है ट्रीटमेंट की भी और प्रिवेंशन की भी। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोरोना का बचने के लिए जो नियम है, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग की जो SOP है कि इंडोर और आउटडोर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जो हमारी लेटेस्ट SOP है, उसका सख्ती से पालन किया जाए। और मैंने कहा कि मुझे दिन प्रतिदिन इसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। ट्रीटमेंट के लिए हमारी पूरी तैयारी है, हम पहले से ही तैयारी किए हुए थे, हमारे टेस्टिंग की सभी जिलों में व्यवस्था है, हमारे पास सारी आवश्यक जो मेडिसिंस हैं वो हमारे पास है। और इसकी ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए जो जीनोम फ्रिक्वेंसिंग की आवश्यकता होती है वो भी हमारी अपनी मशीन हम रोहतक में लगाने जा रहे हैं। तिगांव विधानसभा के गांव बडोली चंदेला में स्कूल को अपग्रेड कराने के उपलक्ष में स्थानीय लोग विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान गांववासियों ने विधायक को गुलदस्ता देकर और मिठाइयां खिलाकर उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर गांववासियों ने विधायक राजेश नागर को धन्यवाद किया और कहा कि विधायक के सहयोग से स्कूल अपग्रेड हुआ, जिससे पूरे गांववासियों और बच्चों में खुशी का माहौल है। तो इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार प्रयासरत है और बडोली चंदेला स्कूल को अपग्रेड करना सरकार का सराहनीय कदम है। बडोली चंदेला की एक बहुत पुरानी मांग थी, यहाँ पर एक हमारा सरकारी स्कूल जो 100 साल पुराना था उसके लिए इनकी एक मांग थी बहुत पुरानी कि भाई हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाए। ये अब तक 10वीं तक था, 10th तक था, इसको ये अपग्रेड करा के 12th करना चाहते थे। मैं इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी को, अपने शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर जी को धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने हमारी यहाँ की जो ये मांग थी बहुत पुरानी उसको माना और स्कूल को अपग्रेड कराया। और यहाँ पर पहले जो हमारी बच्चियाँ थी या हमारे जो बच्चे थे 10वीं के बाद 10th के बाद वो स्कूल नहीं जा पाते थे, या जाते थे तो उनको दूर जाना पड़ता था, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अब एक सुनहरा मौका है कि वो यहाँ से 11th और 12th करेंगे, 11वीं 12वीं करेंगे और बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे निकलेंगे हमारी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका ने नूह के DRDA हॉल में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित मेले का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का फायदा पहुंचे और उसकी आजीविका के साधन जुटाए जाए। मेलों में पात्र व्यक्ति को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चंडीगढ़ मुख्यालय से सूची प्राप्त हुई है। वहीं नारनौल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का लघु सचिवालय स्थित सभागार में समापन हो गया है। इस दौरान हरियाणा सरकार की ओर से एक पहल चलाई जा रही है जिसकी आय 1,80,000 से कम है, ऐसे लोगों को सरकार की तमाम स्कीमों की जानकारियां देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके। तो पलवल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने किया, जिसके बाद विधायक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मेले में लगाई गई सरकार की कई योजनाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर दीपक मंगला ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रोजगार देना, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और बैंकों से ऋण मुहैया करवाना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेला जो आज यहाँ ये लगा है, इसमें जो हमारे आज पलवल नगर परिषद क्षेत्र के जो भी ऐसे गरीब परिवार हैं उनको रोजगार के साधन मिले, और जो लगभग 50 के करीब जो सरकारी स्कीम है जो गरीबों के उत्थान के लिए है
वो स्कीम यहाँ एक ही जगह उन सारी स्कीमों की उनको जानकारी देना और उन स्कीमों का कौन सी स्कीम में किसको क्या लाभ मिल सकता है उनको लाभ मिले। केवल ऐसे जो परिवार यहाँ आए हुए केवल अपना परिवार पहचान पत्र लेकर के यहाँ आए हैं, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वो यहीं पूरी हो रही हैं। अगर किसी को कहीं कोई लोन भी है तो यहाँ सारे बैंक के भी यहाँ पर सभी बैंक के यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं तो उन योजनाओं का लाभ यहाँ पहुँचे, ऐसी ये महत्वाकांक्षी योजना आज यहाँ पर हमारे पलवल के अंदर शुरू हुई है और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको मिल रहा है। तो चलिए जनता सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।